नमस्कार, मैं हूँ धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में एक लड़की से उसके ही दोस्तों ने छेड़छाड़ कर दी। लड़की के विरोध करने पर आरोपियों ने सरेराह उससे मारपीट की। घटना के बाद किसी तरह थाने पहुंची लड़की के शिकायत पर एमपी नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एमपी नगर पुलिस ने बताया कि लड़की एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती है। उसने पुलिस को बताया कि वो काम से जोन 2 में सत्यप्रकाश होटल के सामने से जा रही थी। इसी दौरान उसके परिचित हरिशंकर, शैलेंद्र और अनिल मिल गए। उन्होंने उस पर कमेंट करते हुए रोकना चाहा। वो अश्लील कमेंट कर रहे थे। वो उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ी। इसी दौरान तीनों ने उसका रास्ता रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उससे गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दी। उसका शोर सुनकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन तब तक तीनों वहां से भाग चुके थे। घटना के बाद उसने एमपी नगर पुलिस थाने पहुंचकर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सर, वो ये एमपी नगर में एक सरेराह लड़की के साथ मारपीट छेड़छाड़ का एक मामला आया। इसमें जो फरियादिया की रिपोर्ट पे है 354D IPC और मारपीट का केस रजिस्टर्ड हुआ है। बेसिकली जो फरियादिया है वो एमपी नगर क्षेत्र में ही एक संस्थान में काम करती है और वहीं उसी क्षेत्र में काम करने वाले लड़के जो कि पूर्व से परिचय है उनके द्वारा इस तरीके की छेड़खानी की घटना की गई। जब विरोध किया तो इस तरीके के इनके द्वारा जो धमकी दी गई और जिस पर से केस रजिस्टर किया गया और रास्ता भी रोक लिया था। और इस पर से जैसे मैंने बताया एक ही दोनों ही एमपी नगर में काम करते एक दूसरे से परिचय था। केस रजिस्टर कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल KKR न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।